हेलो फ्रेंड, वेलकम टू कैपिटल एक्वायर फाइनेंशियल प्लानर। और आप सभी का इस वीडियो ट्यूटोरियल पे स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जो हमने कमोडिटी की जिंक की स्ट्रेटेजी बताई थी यस्टरडे मार्केट में, उसका एक बैक टेस्ट रिपोर्ट दे रहा हूँ। लेकिन उस स्ट्रेटेजी में मैं थोड़ी सी चीजें ऐड कर देना चाहता हूँ। कल मैंने कुछ समय की कमी की वजह से आपको टारगेट और स्टॉप लॉस का रेशियो नहीं बताया था। तो दोस्तों, सिमिलरली क्रूड ऑयल की तरह टारगेट और स्टॉप लॉस का रेशियो होगा 1% टारगेट एंड 1% स्टॉप लॉस। ठीक है, इसके बाद आपको ट्रेंड लाइन मार्क करना है इंट्राडे के डेली कैंडल पे, देन कन्वर्ट करना है उसे 5 मिनट के कैंडल पे और ट्रेड करना है उसके ही अकॉर्डिंगली। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको शो कर रहा हूँ। यहाँ पे दोस्तों देखिए, बैक टेस्ट रिपोर्ट में रिजल्ट आए हुए हैं। तो पहले मैं स्ट्रेटेजी आपको एक बार चार्ट में समझा देता हूँ, बहुत ही डिटेल से, बहुत ही आसानी से, और उसको आप समझ जाएंगे तो बहुत अच्छा काम कर पाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं दिखाना चाहूंगा कि ये हमारा जिंक का ट्रेड चार्ट खुला हुआ है। मैं इस सबको हटा देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, चलिए। तो ये हमने पहले 1 डे का टाइम फ्रेम लेना है और हमको ये देखना, ये आज का मॉक टेस्ट हो रहा है सैटरडे 9 का, तो ये वाला कैंडल हम नहीं ऐड करेंगे क्योंकि ये कैंडल किसी मतलब का नहीं है। मॉक टेस्ट जो लोग देखते होंगे जीरोधा पे, मॉक टेस्ट होता है हर सैटरडे को। तो आप यहाँ पे हमको हॉरिजेंटल लाइन लेनी है। लेकिन अगर मार्केट में डाउन ट्रेंड चल रहा है, जैसे कि प्रीवियसली चल रहा था 3-4 दिनों से, तो हमको कलर इसका हॉरिजेंटल लाइन का यहाँ से कलर चेंज कर लेना है रेड में। ठीक है, और हमको लो लो मार्क करना है, लेकिन जो बॉडी लो है उसका, मेन लो नहीं है, बॉडी लो। ठीक है, उस लो को मार्क करना है। जैसे हमने यहाँ पे लो मार्क किया, यहाँ पे लो मार्क किया और यहाँ पे लो मार्क किया, और ये तो कल का ट्रेड था, तो कल की ट्रेड के लिए हमने प्रीवियस डे तक का लो मार्क कर लेना है। उसके बाद हमको लो नहीं मार्क करना है। ठीक है, क्योंकि कल का ट्रेड तो हमें पता ही नहीं था कहाँ जाएगा, तो एक दिन पहले तक का हमको लो मार्क करना है। अब इसी लो को मार्क करने के बाद हमें इसे सीधे 5 मिनट के टाइम फ्रेम में कन्वर्ट कर देना है। ठीक है, तो ये दोस्तों आज का मॉक टेस्ट का है, लेकिन हम यहाँ से शुरू करेंगे। ये कल का हम शुरू करते हैं, ये वाला। तो दोस्तों देखेंगे आप यहाँ पे कि इस प्राइस पे, यहाँ पे करीब, यहाँ पे इसकी सेलिंग बनी है यहाँ से, और अगले दिन मार्केट खुला है यहाँ पे। तो हमको, जब हमें क्या करना है कि इस लाइन के नीचे हमारा अगर ट्रेड चल रहा है, तो हमको क्या करना है, मॉर्निंग में इस लाइन को फॉलो करना है। इस लाइन के नीचे हमको इस करीब 1 घंटा चलने दीजिए मार्केट, और कोशिश करिए कि लाइन के ऊपर ट्रेड हो। बट अगर लाइन के नीचे चल रहा है, तो हमको क्या करना है, हमको लाइन तक आने का वेट करना है पहली थिंग। अगर नहीं आया तो कोई बात नहीं, हमको 1% का यहाँ से स्टॉप लॉस लेना है और 1% का टारगेट लेना है। मतलब अगर जिंक की ट्रेड वैल्यू चल रही थी 193 194 के आसपास, तो हमको 193 का स्टॉप लॉस, सॉरी 190, क्योंकि ट्रेंड जो है सेलिंग पे है, पूरी चीजें सेलिंग पे है, तो हमको 193 का टारगेट और 194 का स्टॉप लॉस लेना था। ठीक है, 1% रेशियो, सॉरी 1% मैं आपको बोल रहा हूँ, बाय बाय मिस्टेक हो रहा है, सॉरी सॉरी सॉरी, 1% नहीं, 1 पॉइंट होगा यहाँ पे। ठीक है, 1 पॉइंट, बेस मेटल में 1 पॉइंट की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे बार बार। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को फिर से आप जब पूरा देखिएगा, तभी आपको चीजें थोड़ा सा रिमाइंड होगी। इसको 1 पॉइंट बोल रहा हूँ ना, 1 पॉइंट मतलब कि 1 पॉइंट नीचे 1 पॉइंट ऊपर। तो आपको 1 पॉइंट नीचे टारगेट लगाया 193 का, जो कि अचीव्ड हो गया। इसी तरह आप देखेंगे कि इसके प्रीवियस वाले डेज में भी हमने अगर मार्क किया है, तो अगर आपने देखा होगा कि ये वाली लाइन से, यहाँ से अगर इसने नीचे आया या यहाँ से भी नीचे आया, तो आप देखेंगे कि 195 के नीचे 194 का टारगेट आराम से अचीव्ड हुआ है। ठीक है, तो ये 194 का टारगेट हुआ है यहाँ पे भी। अगर आप इस प्राइस पे सेल करते तो भी आपको यहाँ नीचे टारगेट आया है। तो दोस्तों, इस तरीके से हमने आपको एक बैक टेस्ट दिया है कि जिस भी तरह से, जैसे यहाँ पे आप देखेंगे बहुत अच्छा बताया है कि इस प्राइस से नीचे गिरा 1 पॉइंट, नीचे टारगेट आया, यहाँ से भी 1 पॉइंट गिरा, नीचे टारगेट आया। तो आपको ट्रेंड के हिसाब से काम करना है कि अभी रेड लाइन का ट्रेंड है, मतलब कि सेलिंग का ट्रेंड है। तो जब भी सेलिंग लाइन के नीचे आने लगे, तो 1% का टारगेट और 1% का स्टॉप लॉस आपको प्लेस करना है। 1% बार बार बोल रहा हूँ, 1 पॉइंट का। ठीक है, तो ऐसा करने से क्या होगा कि आप मार्केट के ट्रेंड के हिसाब से ट्रेड कर पाएंगे, क्योंकि अभी मार्केट का ट्रेंड जो था 1 डे टाइम फ्रेम में सेलिंग का था। अब सेलिंग का था, लेकिन हमको लेवल नहीं मिल रहे थे, तो हमने लेवल के लिए ये लाइन मार्क कर ली। इस लाइन के नीचे आपको 1%, 1 पॉइंट का, सॉरी, टारगेट रखना है और 1 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखना है। उससे क्या होगा कि आपका जो टारगेट है, या तो टारगेट अचीव्ड होगा या स्टॉप लॉस अचीव्ड होगा। लेकिन हमारा जो ट्रेंड है मार्केट का, वो एक डायरेक्शनल है, यानी कि यूनिडायरेक्शनल है, सेलिंग पे है, तो हमको डायरेक्टली सेल के टारगेट मिलेंगे। और
बाइंग पे है तो हमें बाइंग के टारगेट मिलेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि हमने कल एक आपको एक एग्जाम्पल भी दिया था कि 3D, आपको एक मैंने बताया था एक एग्जाम्पल, मैं यहाँ पे फिर दिखा देता हूँ, ठीक है, कि कमोडिटी में जो बेस मेटल्स होते हैं, खासकर जिंक, कॉपर, एल्युमिनियम, लेड, ये जो बेस मेटल्स होते हैं, ये नीड, सप्लाई और डिमांड के ऊपर काम करता है कि इंटरनेशनल मार्केट में किस टाइम पीरियड में कितनी सप्लाई है, कितना डिमांड है, और उसी के हिसाब से इसका जो ग्राफ बनता है वो ऐसे अप जाएगा, देन डाउन जाएगा, देन 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 अप। तो ऐसी स्ट्रेटेजी में, ऐसे ट्रिक्स में हम एक ही तरीके से काम कर सकते हैं कि अगर हमने यहाँ पे लाइन मार्क कर ली, एक लाइन यहाँ मार्क की, 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 तो अगर अब इसके ऊपर जा रहा है तो हम बाय कर रहे हैं, इसके नीचे आ रहा है तो हम सेल कर रहे हैं, इसके ऊपर जा रहा है बाय, तो हम वही चीज फॉलो कर रहे हैं, लेकिन हमने तरीका बदला हुआ है। यहाँ पे हमने लाइन मार्क कर ली है, लाइन मार्क करने से ये बेनिफिट हो रहा है कि हमको एक लेवल मिल जा रहा है जिसके लेवल से हमको सेल करना है, क्योंकि वहां से स्ट्रॉन्गली मार्केट में डाउनफॉल आता है, मिनिमम मोमेंटम नीचे की तरफ शिफ्ट होता है। एक बार और मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ प्रीवियस डेज में, जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ पे इस डेट में, इधर का हम चार्ट नहीं देखे क्योंकि इधर मार्केट नहीं आया था उस समय, तो ये अप किया, इसको ब्रेक किया, देन इसको ब्रेक किया, देन इसको ब्रेक किया, देन इसको भी ब्रेक ना कर पाया, तो यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस हो जाता है, लेकिन हमारा जो पिछला जितने भी ट्रेड है सब में हमको यहाँ पे प्रॉफिट आया है। तो आप देखेंगे कि बैक टेस्ट रिपोर्ट में कि 3 दिनों तक प्रॉफिट आया, 5वें दिन हमारा एग्जीक्यूट नहीं हुआ, फिर नीचे आया, फिर लॉस हुआ हमको 2 दिनों तक लगातार, उसके बाद हमको प्रॉफिट हुआ और प्रॉफिट लॉस चलता रहा, तो ऑलमोस्ट हमको 12,000 रुपीज प्रॉफिट हुआ सिंगल मिनी लॉट पे, यानी कि 1,000 रुपये अगर हमारा मिनी लॉट का है तो हमको हमको जो 20 से 22 ट्रेडिंग सेशन में 12,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ, जिसमें 1 दिन का हमारा कॉल एग्जीक्यूट नहीं हुआ और 4 से 5 दिनों तक हमारा 2, 3, 5, 6 बार हमारा लॉस हुआ, स्टॉप लॉस हुआ। तो दोस्तों स्टॉप लॉस भी होगा, टारगेट भी होगा, लेकिन देखो आप यहाँ पे इस स्ट्रेटेजी से आपको 12,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ। मैं कहता हूँ 2,000 का आपका अगर ब्रोकरेज भी जाता है, ठीक है, पूरे ट्रेडिंग सेशन में, तो भी आप 10,000 रुपीज अर्न कर रहे हैं, जबकि आपको इंट्राडे इन्वेस्टमेंट 10,000 नहीं लग रहा है, ऑलमोस्ट 3 से 4 हजार रुपये लगेगा, ठीक है। तो आप इस इन्वेस्टमेंट से 3,000 से आप लगभग 300% रिटर्न पूरे मंथ में, कितने परसेंट, 300% रिटर्न निकाल सकते हैं आप, ठीक है, और बहुत ही सिक्योर साइज से। इससे क्या होगा दोस्तों, या तो आपका टारगेट आएगा या स्टॉप लॉस आएगा, लेकिन जो टारगेट आने के चांसेस है, प्रोबेबिलिटी है, वो 99% बढ़ जाती है, जिसकी वजह से आपका पूरा मंथ का जो ट्रेड है वो प्रॉफिटेबल जाता है, क्योंकि आप हम यहाँ पे हम सिर्फ यहाँ पे देखिए हैक एन एसी का कैंडल वॉच कर रहे हैं, ठीक है। जो लोग हैक एन एसी कैंडल वॉच कर रहे हैं उनके लिए मैं एक और चीज बताना चाहता हूँ कि जिन्हें ये लाइन ड्रॉ करने में प्रॉब्लम आ रही है, वो अगर लाइन ड्रॉ नहीं कर पाते तो हैक एन एसी के प्रीवियस कैंडल को फॉलो करें। जैसे कल का कैंडल सेल पे बंद हुआ है तो मुझे अगले दिन का मार्केट जब ओपन होगा तो मुझे किसी भी हाई प्राइस से जाके सेल कर देना है 1% के एसएल और 1% के टारगेट के साथ। तो क्या होता है कि देखिए ये अगर मैं यहाँ से इस तरीके से करता तो 1, 2, 3, 4, 5 लगातार मुझे 10-12 दिन तक का प्रॉफिट हो सकता था, ठीक है, और यहाँ पे मुझे लगातार 3 दिन स्टॉप नीचे की तरफ प्रॉफिट होता। तो मैंने आपको सीधे सीधे मेरा कहना यही था कि जो मार्केट है, ठीक है, जो मार्केट है वो किस तरीके से चलता है, अप गया, देन डाउन, देन अप, और अप के बाद देन डाउन, तो सिमिलरली इसी तरह की से मार्केट ट्रेड होता रहता है, और हमको इसी चीज पे हमको अपना बेनिफिट बनाना है। दोस्तों ये जो आज का है ये हट जाएगा ये कैंडल, क्योंकि ये मॉक ट्रेड चल रहा है, सैटरडे है, ये रियल मार्केट से नहीं वैल्यू खाता है, तो इसलिए इसको ऑब्जर्व मत करिएगा कि इस तरीके का कैंडल आ गया तो क्या हुआ। अगर इस तरीके का कैंडल आ भी गया तो स्टॉप लॉस होगा, इससे ज्यादा क्या होगा, लेकिन हमारी स्ट्रेटेजी एकदम फाइन है, एक्यूरेट है, तो हमको 99% केस में इस तरीके का कुछ रिजल्ट मिलेगा। आप 1 महीने नहीं, 2 महीने नहीं, 10 महीने, कितने भी दिनों का अगर बैक टेस्ट करेंगे आपका रिजल्ट प्रॉफिट में ही आएगा, दैट इज माय गारंटी। किसी को भी क्वेश्चन, क्यूरी, कंफ्यूजन है तो वो मुझे कॉल कर सकता है, अगर किसी को स्कैनर के रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन है तो आप हमारा स्कैनर भी देख सकते हैं, ठीक है, ये कमोडिटी का स्कैनर है जो आपको एक अच्छा रिजल्ट, एक अच्छा बेनिफिट दिखा सकता है। तो दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों तक पहुंचाइए ताकि वो लोग भी एक अच्छा रिटर्न मार्केट से निकाल पाएं। थैंक यू सो मच दोस्तों वॉचिंग दिस प्रीवियस वीडियो। थैंक यू सो मच।